स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को 178 लोगों के कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा। गांव बापा में 114 व गांव अलहार में 64 लोगों के सैंपल लिए गए। सैंपलों की वीरवार शाम तक रिपोर्ट आएगी। यह जानकारी देते हुए SMO डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि उपमंडल में अब तक 50 लोग कोरोना वायरस की बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 14 लोग ठीक हो चुके हैं और 36 लोग अभी एक्टिव हैं, जबकि CSC रदौर क्षेत्र में कुल 36 लोग कोरोना वायरस की बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 9 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 27 लोग अभी भी एक्टिव हैं। बस स्टैंड के ऊपर बने कार्यालय में आधार कार्ड बनाए जाने का कार्य लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। लोग आए दिन दूर दूर से शहर में आधार कार्ड बनवाने आते हैं, लेकिन आधार कार्ड न बनने से लोग निराश होकर वापस लौट रहे हैं। मंगलवार को आधार कार्ड बनवाने आए लोगों ने प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए बस स्टैंड पर आधार कार्ड बनाने की सुविधा जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है। रादौर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दामला के सरपंच नरेश कुमार ने पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा को हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में 21,000 रुपए का चेक भेंट किया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने कहा कि महामारी के इस दौर में सभी को राष्ट्र सेवा के लिए आगे आना चाहिए। रादौर की गुरुद्वारा गली में बंद पड़े एक मकान के ताले तोड़कर चोर घर से चांदी के गहने व हजारों रुपए की नकदी चुरा ले गए। पुलिस ने प्रभावित व्यक्ति की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज किया है। अलहार गांव में कुछ लोगों ने जबरन एक घर में घुसकर एक व्यक्ति, उसकी पत्नी व बेटी पर लाठियों डंडों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और घर में रखे सामान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक महिला सहित 6 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं व SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इंकलाब मंदिर गुमथला राव में मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बलिदान दिवस पर याद किया गया। इस अवसर पर मंदिर के संस्थापक एडवोकेट वरियाम सिंह ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने ईंट भट्टा पर रहने वाली एक गरीब परिवार की लड़की की शादी में सामान देने का पुनीत कार्य किया है। ईंट भट्टा पर रहने वाले किसी मजदूर ने साथ संगत के सेवादार जसवंत इंसा से इस लड़की की शादी में मदद करने बारे जानकारी दी थी, जिसके बाद डेरा प्रेमियों ने लड़की की शादी में 17,100 रुपए का सामान शगुन के रूप में देकर इस जरूरतमंद परिवार की मदद की है। रादौर में आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें RT भारत के साथ। नमस्कार।